गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मिस रावत में। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज है हरियाली तीज, तो सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हरियाली तीज है तो मैं फटाफट उठ गई थी और अभी नहा गई हूँ। अब मैं करूँगी पूजा, पूजा के बाद मैं बनाऊँगी नाश्ता क्योंकि इनको ऑफिस जाना है। तो खुद भी मैं नाश्ता कर लूँगी क्योंकि आजकल मुझे फीवर हो रहा है, तो उस चक्कर में मैं व्रत नहीं रख पाऊँगी। पूजा मैंने कर ली है, नाश्ता भी बना लिया है और नाश्ता भी हम कर चुके हैं। और यहाँ सीलन देखो ना, पीछे कितनी सीलन। इस सीलन की वजह से गाइस मेरे पूरे कपड़े ख़राब हो गए हैं। मतलब मेरे जो नए नए कपड़े हैं, अभी जो साड़ियाँ मैंने पहनी भी नहीं है एक भी बार, उन पे भी इतनी गंदी बदबू आ रही है। और जो मेरी शादी का पिछौड़ा था वो भी मुझे आज धोना पड़ा, वैसे इस सीलन की वजह से उस पे काले काले दाग से पड़ गए। तो पता नहीं सूटकेस के अंदर भी वो सीलन कैसे जा रही है, ये मुझे नहीं पता। खैर जो भी है, अब रूम चेंज करना पड़ेगा यहाँ से, वरना ऐसे सीलन में तो मेरे पूरे ही कपड़े ख़राब हो रहे हैं। इनको तो मैं वैसे कब से बोल रही हूँ हेलो नहीं चलेगा ऐसा। इनको तो मैं ऐसे कब से बोल रही हूँ रूम चेंज करने के लिए, लेकिन ये ऐसे बस 2 दिन रुक जाओ, बस 10 दिन रुक जाओ, बस 20 तारीख तक रुक जाओ। अब तो कल 20 तारीख भी आ गए, पता नहीं क्या ही करेंगे। अभी ये जा रहे हैं ऑफिस दिव्यांग, और तुम्हें पता है ना आज 30 है, तो 30 के दिन गिफ्ट देते हैं, ठीक है? तुम्हें पता नहीं हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर जा ही रहे हो मार्केट तो गिफ्ट भी लेते आना। ओके ओके। एक हीरे का हार, एक डायमंड की रिंग, और बस ज़्यादा कुछ नहीं, इतना काफ़ी है। एक 10-20 हज़ार की साड़ी, ठीक है? आज हमारा प्लान, आज नहीं था वैसे, कल हमारा प्लान घर जाने का था। और मेरे बैग भी पैक हो चुके हैं, देखो बैग भी मैंने पैक कर लिया था सारा, सूट भी निकाल लिए थे जो मैंने पहन के जाने हैं और जो मैं वहाँ पहनूंगी। तो लेकिन अभी हमारा कोई कंफर्म, जब तक हम कहीं पहुँचे नहीं ना, हमारा कोई कंफर्म नहीं होता है कि हम जा ही रहे हैं। तो वैसे तो कल का प्लान था संडे के दिन जाने का, लेकिन अब वो डिले हो गया है। पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन बैग तो मेरा रेडी है। जैसे ही होगा कि हाँ जाना है तो एकदम निकल जाएंगे। कितने सारे पिंपल हो रहे हैं मेरे फेस पे आजकल। 10 घंटे से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? कितनी बार कर लिया, और वीडियो कॉल भी करी मैंने तुम्हें। मैं गाड़ी चला रहा था। और जो मैंने मंगाया था वो ला रखे कि नहीं ला रखे? ला रखा। सेब, अनार। अनार, हेलो। अरे रानी, आज किसकी दाल बना रही हो? हमारी रानी। मैं आज बना रही हूँ मिली चुल्ली दाल। मिली चुल्ली मीन्स होता है मिक्स दाल। और मेरी जो सबसे, किसने सिखाया ये मिली चुल्ली? चुल्ली मुल्ली मिली चुल्ली सिखाया? कुछ भी। अरे मेरी सबसे बड़ी वाली ताई जी बोलती थी कि मैंने आज मिली चुल्ली दाल बना रखी, इतनी टेस्टी होती थी ना उनके हाथ की। उनके हाथ की होती थी? मेरे हाथ की। इसकी शक्ल कैसी दिख रही है देखो। अरे तो क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होगा दोस्तों, इसकी मैं गारंटी दे रही हूँ। होगा ना, तुम तो रोज ही खाते हो, पता ही होगा तुम्हें टेस्ट कितना अच्छा होता है। देखते हैं आप खा के। दोस्तों कौन सी कढ़ाई है ये? कढ़ाई है। अरे कौन सी वाली है, सिल्वर? कढ़ाई का नाम है पता नहीं, तो क्या बना पाए बताओ ना, क्या कौन सी कढ़ाई बोलते थे इसको? बदेव। अरे नहीं यार, लोहे। हाँ दोस्तों ये है लोहे की कढ़ाई, इस वजह से इसमें कालापन आ रहा है दाल वगैरह सब्जी में भी, लेकिन बहुत टेस्टी होती है इसमें सब्जी लोहे की कढ़ाई में। खाना रेडी हो चुका है और मिली चुल्ली दाल भी अभी थोड़ा अच्छी दिख रही है, लेकिन टेस्ट में अच्छी ही हो रही होगी दोस्तों। चलो टेस्ट करके बताओ कैसी हो रही है। बढ़िया। दाल गरम और खाएंगे। ऐसे करके करो ना, ऐसे करो फिर ऐसे करो।
ये इंदिरा गांधी वाली कौन सी मूवी है मुझे भेजना फिर से। दशरथ माझी। अच्छा माझी द माउंटेन गरम और कर कन्हण बढ़िया। अबल बोलो ना। अबल हो खा अबल अबल हो ऐसे बोलो। तो रोड के क्या बुरे हाल हो रखे हैं ना। देखो ये करना देवी वाली रोड है जहाँ हम मंदिर में जाते ही रहते हैं। यहाँ देखो अब यहाँ से हमने पैदल ही जाना है। गाड़ी हमने वो वहाँ पे रखी हुई, यहाँ से तो ले जा सकते हैं नहीं, तो पैदल ही जाना पड़ेगा। बहुत दिनों से हम लोग मंदिर में आए थे तो हमने सोचा आज मंदिर चलते हैं। तो हम आए हैं कन्हा देवी, अभी पहुंचने वाले हैं। और कन्हा देवी का रास्ता तो मैंने आपको दिखाई लिया है, कितना गंदा हो रखा। फिर हमें आज गाड़ी बहुत नीचे ही पार्क करनी पड़ी, वहाँ से पैदल 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 आ रहे हैं। पहले तो हमें लगा कि पूरा ही टूट रखा होगा, तो फिर इतना ज़्यादा पैदल कैसे जाएंगे। पैदल भी चलो कोई नहीं, लेकिन यहाँ देखो पीछे इतना ज़्यादा गदेरा आ रखा है, आपको दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन आवाज़ साफ सुनाई दे रही होगी। हमने कद्दू की सब्जी बनाई है। हम कद्दू बचारी कद्दू कद्दू की सब्जी छज्जी। जैसे हम खाना, जब मैं खाना बना रही होती हूँ ना, तो ये अपने घर के अंदर होती है। और जैसे मैं खाना यहाँ लाती हूँ तो इसको पता नहीं कैसे खबर लग जाती है कि चाची खाना ले आई। ये अपने घर के अंदर भी होगी तो दौड़ दौड़ के यहाँ आ जाएगी। इसको पता चल गया कि चाची का खाना अब कंप्लीट बन चुका है। मुझे मारी थी। जे मारा गाइस ने। गाइस ने मारा? हाँ। कौन है गाइस? गाइस मुझे पट्टी कटो पीठ। मुझे पाँच 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 आज खाना नहीं है गौरी, आज चाची को बुखार आ रहे ना। चाची बुखार हो रही है। आज मैंने खाना नहीं बनाया। कौन नहीं बुलाया? इतनी नौटंकी आवाज है ना, ये क्या टंकी? कौन सी टंकी? नौटंकी कौन सी टंकी? नौटंकी जय महादेव जय महादेव जय भोलेनाथ। खाना खाना खाते आज यही है। रुक आज रुखी सुखी आज यही खाते गाइस। Thank you.